आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज़ द कोवेलेंट रेडियाई. छोटा सा टॉपिक है आयनिक रेडियाई के बाद. वी आर टू स्टडी द रेडियस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई. अब व्हाट इज़ द कोवेलेंट रेडियाई? इट इज़ द रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, या आप इसको ऐसे समझें कि रेडियस ऑफ दोज एलिमेंट्स, या उनका साइज, उन एटम्स या एलिमेंट्स का साइज जो कि कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए दैट इज़ के कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है. यह आप लोगों को प्रीवियस अपनी क्लासेस की डेफिनेशन भी याद होगी और इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स विच इज़ फॉर्म्ड विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना बॉन्ड बनाएंगे, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करेंगे, तो हम उसको उस बॉन्ड को जो नाम देंगे दैट विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन. अगर मैं हाइड्रोजन अकेले की बात करूं तो इट हैज़ वन वन. मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. इसी तरह एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एंड दीज टू आर नॉट स्टेबल जब तक ये अलहदा हैं. क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा है, इनकी एनर्जी इनको कम करनी है. ऑक्टेट रूल क्या था कि बाहर वाला जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसको कम्प्लीटली फिल कर लें और नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को हासिल कर लें. तो पहले शेल में चूँकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके पास एक है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब ये कंडीशंस को देखते हुए अपने गिर्द मौजूद जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और कुछ इस तरह की सूरत हाल हमारे पास आएगी. अब इसको अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन का एटम था, ये हाइड्रोजन का एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये. लेकिन अब चूंकि इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं ये अब इस एटम का भी हिस्सा हैं और इस एटम का भी हिस्सा हैं. मतलब कि इनके शेयरिंग करने से इनके ऑक्टेट रूल पूरे हो गए. ये दो इसके शेल में भी घूमेंगे, ये दो इसके शेल में भी रिवॉल्व करेंगे और जो बॉन्ड इनके दरमियान बना दैट इज़ दी कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये तो बेसिक और पुरानी बात थी कि व्हाट इज़ दी कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम जाते हैं कोवेलेंट रेडियस की तरफ के कोवेलेंट रेडियस क्या होता है. तो वो आपके बुक में डेफिनेशन भी है. वो कहता है कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ. Half of the single bond length between two similar atoms. It's called covalent radii या covalent radius. अब यहाँ पर जो चीज़ आपके minds में आनी चाहिए या इसको पढ़ के जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की ही एग्जांपल लेता हूँ. ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो अगर इनका जो ये वाला डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉन्ड्स, इसको मैं अगर एक्स कह देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है, तो वो कहता है जी सिंगल बॉन्ड लेंथ जो थी ये एक्स है, इसका हाफ मैं करूँगा बिटवीन टू सिमिलर एटम्स. तो सिमिलर एटम्स तो ये हैं, और अगर इसका मैं हाफ कर दूँ यहाँ से, जो एक्स बाई टू होगा दैट वुड बी द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. वो हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये जो डिस्टेंस था ये 10 पिकोमीटर था, तो हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस आएगा दैट वुड बी दी 5 पिकोमीटर. तो हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, ये एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है उसका जब मैं हाफ करूँगा तो जो चीज़ मेरे पास आएगी दैट विल बी दी
रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट. अब ये तो सिमिलर एटम्स की बात हो गई. अब समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास ज़रूरी तो नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के अलावा नहीं बनता, या ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स ही में बनेगा. तो उस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं CH3 की बात करता हूँ, CH4 की, मीथेन जो है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें कार्बन के जो हैं चार बॉन्ड हैं कोवेलेंट विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो अब तो ये सिमिलर एटम नहीं है, तो दे आर डिसिमिलर एटम्स. तो इस केस में क्या होगा, तो सिमिलरली हम इसको फाइंड आउट इसी तरह से करते हैं कि जब भी आप फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन का फाइंड करना है, तो CC का बॉन्ड लेंथ लेंगे और उसकी आधी कर देंगे, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2 जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा कार्बन का कोवेलेंट रेडियस. लेकिन इस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर इस केस में मुझे कार्बन का मौजूद पता है, मतलब कार्बन का कोवेलेंट रेडियस मुझे मालूम है और हाइड्रोजन का नहीं है, तो मैं उसमें उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकूँगा. अब कैसे होगा ये, इसको आप, आपकी बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल उसने दी हुई है, इसको आप यूँ समझें कि अगर मेरे पास जो है एक कंपाउंड है CH3Cl, कार्बन की वैलेंसीज चार होती हैं और तीन हाइड्रोजन और चौथे पे क्लोरीन आपके पास मौजूद है. वो कहता है जी कि इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन टू क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 176.7 पिकोमीटर. ये आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो है वो पता लग गई है. अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो ये है कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन की जो कोवेलेंट रेडियस है वो कितना होगा, और कार्बन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो हमें जो है मौजूद है, वो हमारे पास नॉन वैल्यू है उसकी, वो है जी फॉर एग्जांपल 99.4 पिकोमीटर. तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा किस तरह से, इसको आप ऐसे देखें कि अगर ये कार्बन है और ये Cl है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है, दैट इज़ गिवन 176.7 पिकोमीटर. अब ये जो बॉन्ड लेंथ है 176.7 पिकोमीटर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन. इन दोनों को अगर मैं जमा करूँगा तो ही मेरे पास ये बॉन्ड लेंथ आएगी ना. तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास. अब फाइंड आउट हमें करना था क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस और कार्बन का कोवेलेंट रेडियस. उसने हमें मेंशन कर दिया था कि इसका जो कोवेलेंट रेडियस है दैट इज़ 99.4 पिकोमीटर. तो मैं इसकी वैल्यू जब इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कोवेलेंट रेडियस होगा क्लोरीन का. कार्बन का कोवेलेंट रेडियस 99.4 प्लस क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से ये वैल्यू जब उधर जाके माइनस होगी तो मेरे पास क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो आ जाएगा, विच इज़ 77.3 पिकोमीटर. तो इस तरीके से कोवेलेंट रेडियस को हम अपने, मतलब अगर आपको एक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ मौजूद है और उसमें से एक एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस पता है तो आप दूसरे का उसमें से माइनस करके निकाल लेंगे. तो ये तो था हमारे पास कोवेलेंट रेडियस. क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, इसको अब हम समराइज करते हैं. रेडियस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड मेकिंग एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसका जो है वो कोवेलेंट रेडियस होगा. होता क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ. जो बॉन्ड लेंथ है सिमिलर एटम्स के दरमियान उसको अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास जो चीज़ आएगी दैट वुड बी दी कोवेलेंट रेडियस. और फिर हमने इसको देखा कि जिस सिमिलर एटम्स के दरमियान किस तरह हम वो इक्वेशन को इस्तेमाल करके उसमें से रिजल्ट अपना निकाल लेते हैं, अननोन कंपाउंड का कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड आउट
कर लेते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट दी कोवेलेंट रेडियाई।